करून या कार्यक्रमाला बोलवलं त्या आदरणीय स्पीकरताई त्यांचे सर्व कुटुंबीय सर्व सहकारी उपस्थित बंधुवाणी केलेले पंधरी बाळासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्तानं मुंबईमध्ये उपस्थित राहण्याचा काही माझा पहिला कार्यक्रम आहे आणि ती संधी आपण मला दिली त्याबद्दल मनापासून मी आपले आभार मानतो. माझ्या राजकीय जीवनामध्ये मी वंदनीय बाळासाहेबांबरोबर काम करू शकलो नाही ते नक्कीच दुर्दैव आहे, परंतु त्यांचा विचार पुढे नेण्यामागे मी कधीही कमी पडलो नाही हे देखील मला इथं आदरानं सांगितलं पाहिजे. कारण ज्या व्यक्तीनं कोणाचीही पर्वा न करता राम मंदिराचं स्वप्न पाहिलं आणि ते राम मंदिर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ते स्वप्न पूर्ण केलं, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 22 तारखेला ते स्वप्न पूर्ण झालं आणि 23 तारखेला आपण वंदनीय बाळासाहेबांना अभिवादन करतोय हा देखील एक विलक्षण योगायोग आहे. आणि म्हणून निडरपणानं सामोरं जायचं, निडरपणानं आपले विचार मांडायचे असं देशातलं एकमेव नेतृत्व जे होतं ते वंदनीय बाळासाहेबांचं होतं. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्याच वतीनं, सरकारच्या वतीनं, माझ्या वतीनं वंदनीय बाळासाहेबांना मी अभिवादन करतो आणि आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने एक शब्द देतो. विकासाच्या दृष्टीनं जे वंदनीय बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं ते पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली करतोय आणि भविष्यामध्ये करत राहू हा शब्द देतो आणि सांगतो जय हिंद जय महाराष्ट्र. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि. इस समय भारतवर्ष में हम उसी मंगल को देख रहे हैं जिस मंगल को देखना चाहते थे परम आदरणीय हमारे बाला साहब जी. और उन्होंने एक बीज डाला था, आप सबने वो शो देखा होगा कि रजत शर्मा जी ने जब पूछा था कि बाबरी मस्जिद के समय आपका कितना योगदान था, तो उन्होंने कहा कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैंने. तो ऐसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो थे परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनकी पुत्र वधु श्रीमती सुनीता ठाकरे जी जिस कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया था उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम ही कुल और वंश का कहना होता है. एक बात सदा समझिएगा, मैं आप सबसे छोटी सी बात पूछता हूं, आप सब बड़े प्यार से बोलिएगा लड़का किसके किसके हैं, लड़का बेटा और पुत्र किनके हैं. अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पूछ क्या रहा हूं. लड़का जो लड़के प्रॉपर्टी ले लेता है, बेटा जो बांट लेता है बराबर करके, पुत्र जो पितरों को तार देता है. तो पुत्र हो ना हो ऐसे कुल चलाने वाले पुत्र जरूर बनाइए ताकि कुल का आगे विस्तार होता रहे, आगे कुल चलता रहे, ऐसा कुल वंश बनाइए, यही सनातन हमारा. दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारा अवसर यहाँ पे हम परिवार बने हैं इस घर के, तो मेरा एक ही मार्गदर्शन कहना है कि सनातन को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, सत्य को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, उस सत्य की ज्योति को आप आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही सबका साथ मिलता रहेगा. और एक और बात बोलता हूं, सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है. तो सत्य के रास्ते में थोड़ा कम लोग जुड़ते हैं लेकिन धीरे धीरे जुड़ते हैं, और जिस दिन जुड़ जाते हैं उस दिन फिर छोड़ते नहीं है, वही फिर आगे चल के राम मंदिर बनाते हैं, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वही फिर प्रधानमंत्री बनते हैं. शुरुआत कहीं से होती है. आप सब भी याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बटेश्वर में रहते थे तो उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिले थे, और तब उन्होंने ही सोचा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनेगी कि पूरे देश में जाके और राम मंदिर बनाएगी, ऐसे उन्होंने संकल्प करके यात्रा शुरू की थी. तो मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रेरणा और मेरा साथ तीनों चीजें यहाँ पे हैं. मैं जरूर कहूंगा कि एक दिन आप भी सनातन का ध्वजा जैसे चला रहे 25 साल से, अब जरूरत है कि आज की डेट में हमारी मातृशक्ति कहीं से पीछे नहीं है. हमारा एक बहुत सुंदर था डिबेट आप सबके बीच में पहुंचा था कि हम माँ के बेटे हैं, बहुत देखा भी गया था, लेकिन उससे मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, वो बात सीधा सुनिएगा. मेरा आप सबसे कहना, हम सब माँ के बेटे हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, पितृ देव भव. इसलिए माताएं हमारी, हम उसी सनातन की बात कर रहे हैं जहां माताएं हमारी गार्गी, अनसुईया,
काली दुर्गा स्त्रियां ही सब चलाती थी, ऐसा नहीं था कि वो पीछे थी, वो शास्त्रार्थ भी करती थी लेकिन मर्यादा में रह के। तो हमारे यहाँ झांसी की रानी भी हुई, और अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो आप सब जानते हैं कि आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें शंकर जी नहीं होते, सड़कें नहीं होती, इतना सुंदर सा प्रेम भाव। तो एक स्त्री ने पूरे जगत को आपके 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का स्थान बना दिया, तो माफ करिए, आपको भी मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आप भी एक बार सनातन को स्थापित करिए और सत्य को लेके, नारी को लेके, भारत को लेके चलिए। और बाला साहब जी का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही है, क्योंकि आप वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी हैं, पली हैं, रही हैं, और आपको उनका स्वभाव भी पता है, उनके कार्य करने की शैली भी पता है। तो हम चाहते हैं कि आप उस कार्य को आगे बढ़ाइए जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं थी, उनको लेके चलिए। यही शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जिंदगी भर मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का, जब अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया तो मैं वो बोलता हूँ। हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन, और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्ते। जय श्री राम। सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में सफर कराने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अच्छी बात में मिला था, मुझे याद है। और बहुत ही कला प्रेमी, क्योंकि अंदर से तो वो कलाकार ही थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और वो फिल्म बहुत भयंकर कमा की हिट हुई थी, हसीना मान जाएगी आगे भी बहुत। तो मैं मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती ये थे कि जो भारत जो आज तेवर देख रहा है, महाराष्ट्र ये तेवर बहुत पहले दिख चुका है। ऑल द बेस्ट। एंड उदय जी आपका नमस्ते, धीरे जी आपको नमस्ते, गुरु जी आपको नमस्ते, सुंदर जी नमस्ते, जीतू जी प्रणाम, चीची भाई नमस्ते। बाला साहब के लिए क्या बोले, उनके लिए शब्द है नहीं है। आज तक मिस करते हैं उनको, उनका बर्थडे है, बड़ी खुशी का मौका है। और मैं तो अभी खंडाला में था, मुझे मैसेज मिला तो मैं बोला बाला साहब का बर्थडे है तो पहुंचना ज़रूरी है, तो सीधा आ गया। अभी अब शक्ल वजह कैसी लग रही मालूम नहीं। ये हमारी धर्मभक्ति है, ये भी साथ में थी, ये भी तो बाला साहब को आप तो मिल चुकी है, मिली हो, और तो उसे मराठी में बड़ी अच्छी उन्होंने बातचीत की। राम मंदिर का जो था उनको बहुत मिस किया कल, उनका होना बहुत जरूरी रहता, बहुत बड़ी बात होती अगर वो होते तो, फिर तो बात और ही होती। एंड जहाँ पर भी है उनका उनका छत्र छाया हम लोगों पर रहना चाहिए, और जो शिव सैनिक है उनके पीछे तो वही है, हाथ तो उन्हीं का है। एंड उनकी याद तो हमेशा आती है। हम जब बहुत पहले जब फिल्मों में आए थे तब से मुलाकात, उनसे काफ़ी प्यार मिला। एंड आज बड़ा खुशी का मौका कि मैं भी इस फंक्शन में शामिल हो रहा हूँ। एंड सुमिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है। एंड गॉड ब्लेस हर ऑल्सो, ऑल द बेस्ट। परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, आपके सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष, और
आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष। और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी और बहुत कामयाब रही, और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक हो वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वो वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। प्रणाम। नमस्कार। पहली बात तो आपको सबको अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है। हमारे लिए वो एक त्यौहार था और आज 11 साल गुजर गए साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना। बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी। साहब के बारे में सबको पता है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा। आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है माननीय पंत प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कारसे में बहुत सारे उनके लोग थे और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे। तो ये बहुत ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक बोल देते थे। हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है और आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप जी मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं, उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है। और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था। उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था, पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है।
क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे, तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मांझा की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं, फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री आप तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है जो जो कहा सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहा कहीं सुनानी बातें सुनते थे, बट खैर जब ही जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिली, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमने हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा, तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं, और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस, तो वो कहीं कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको कहती हूँ कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं और उनकी उनका उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। मैं निकलते समय ये कह रहा हूँ कि उस ऐसे शब्द निकल गए हों जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं सदैव साथ हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। प्रोग्राम रहा, बहुत मज़ा आया, इतने अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया और मैं उन चंद मतलब हमारे सर्किल में इंडस्ट्री के उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको बाला साहब के साथ मिलने का, कई बार मिलने का, उनसे बातें करने का, उनका खाना खाने का, उनसे सीखने का, समझने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज बल्कि सब प्रोग्राम हो रहा था तो पता लगता था मुझे कि बाला साहब कितने क्रिएटिव, कितने आर्ट लवर थे, उनको कितना शौक़ था आर्ट का और पोइट्री का और म्यूज़िक का। तो आज जो उनको यहाँ पे सब ने याद किया है म्यूज़िक के थ्रू, ये इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी। बहुत मज़ा आया। थैंक यू।
ठाकरे साहेबांची 98 पुण्यतिथी आहे आणि आज मला बाळासाहेब एक एहसास ह्या कार्यक्रमात गायची संधी मिळाली. मी स्मिताताईंची खूप आभारी आहे. अतिशय सुंदर काम करता है मुक्ती फाउंडेशन. शिक्षणाच्या क्षेत्रात HIV पीडित रुग्णांच्यासाठी काम करता हे हा ट्रस्ट आणि संगीतासाठी कलाकारांसाठी बाळासाहेबांचं खास त्यांना आवड होती त्यामुळे गाण्याचा कार्यक्रम आज इथे ठेवला आणि त्यात मला गायची संधी मिळाली. मी खूप आभारी आहे. धन्यवाद. विजनरी लीडर रह चुके हैं, फियरलेस लीडर रह चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आज मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कल्चरली भी इतने एक्टिव थे, वो खुद एक आर्टिस्ट रह चुके हैं. सो आई एम रियली रियली ऑनर्ड दैट स्मिता जी हैज आस्क्ड मी टू कम एंड परफॉर्म अ सॉन्ग. आई एम परफॉर्मिंग माई सॉन्ग फ्रॉम एनिमल सतरंगा टुडे फॉर द ऑडियंस एंड आज ही मेरे आवाज़ में ये गाना रिलीज भी हुआ है, अभी 7 बजे रिलीज हुआ है. सो जस्ट माई प्रेयर्स फॉर हिज सोल एंड उनकी जो लीडरशिप रही है महाराष्ट्र में वो हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद महाराष्ट्र में बना रहे. थैंक यू. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस म्यूजिकल ट्रिब्यूट एंड आई एज आई सेड बिफोर बाला साहेब आई हैड मेट हिम इन द 90s अर्ली 90s 91-92 देयर वाज अ मेयर्स मीट इन द मेयर्स बंगलो एंड ही हैड कम एंड आई वाज सिंगिंग देयर एंड ही रिक्वेस्टेड मी ही आस्क्ड मी टू सिंग दिस पर्टिकुलर गज़ल व्हिच इज one of my debut ones, Kaise Sukoon Paun. So I was surprised, I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics, he was actually singing along with me. And he said, this is one of my, so I'm very happy to be here. And yes, he was a great personality and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this. And of course, my wife, she has helped in getting all the artists who have come today, they're just doing it out of sheer love, nothing else. Meena ji, would you like to join Talat ji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for the foundation? Smita ji, yeah. So I'm honored, it's an honor for me to put this musical concert together for such a great personality who we've all admired. He's contributed so much to the history of India and I've admired him, being an artist myself, I've admired him for the cartoon. He's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music, he's met my husband and I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. We need to throw some light on the musical tribute which Ruchi has composed today, and there's a live performance. Let me, that's my okay. She asked Roop, Roop Kumar Rathod, very talented singer and composer, and I know Pino for a long time, and he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say, he's done an amazing. Within, I think, 2-3 days, he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him. And you'll hear it live now with all the artists singing. So, yeah, that's something. Thank you. Functions, events. हम तो ऑब्वियसली हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती है, ये वो वाली चीज़ें. तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहेब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू अवर हार्ट्स. वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू अवर हार्ट्स एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा इस प्रोग्राम का, दिग्गज लोग जो आए वो, बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनकी उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट. मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है. एक सड़क फिल्म का एक गाना था जी, जो रहने को घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि
लोग हमें क्यों याद करते मरने के बाद, वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस. एंड वही चीज़ आज हमको, हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए. एंड दैट वन इज़ बाला साहेब ठाकरे. एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, दिस एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं. सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को, जस्ट एन्जॉय द शो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. द म्यूजिक कंपोजर, ही इज orchestrating the entire band and they're legends with us, and it's an honor to share the stage with all these lovely singers, and it's a special tribute to Bala Saab. And we've read so much about him and heard so much about him, and he was a visionary, and Smita ji is doing this tribute, and Talat ji is also there, and it's an honor for me to be here and pay a special tribute to him through my music. जी, सो दो लाइनें मेरे गाने की. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो. थैंक यू. वेरी फॉर्चुनेट. पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था. उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं, सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी. हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था. एंड उनकी वाइफ और बाला साहेब वाज सो नाइस, इतना अच्छा लगा था. आई वाज क्वाइट यंग, मगर मुझे सब याद है. बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था और साथ में हमारे, उन्होंने खाना खाया, हमने उनके साथ खाना खाया था. मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है, और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. Well, it's an honor and it's an amazing initiative with Smita Aunty has taken in the arts and culture, especially with Mukti. And you know, I come here, I train here with Aishwarya, he's my brother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. I think it's an absolute honor to be here, and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than have a beautiful musical evening. I'm looking forward to it, absolutely. Thank you. देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, जय श्री राम. तो एक बात समझना होगा कि इस समय जिस कार्य को परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और हम सब तो सनातन हैं तो ज़रूर बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और उनका जन्म दिवस, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में आज भी हैं. बिकॉज़ उन्होंने जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था, जो विचार रखा था, उन सभी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं. उसी में से उनकी परम आदरणीय पुत्र वधू जो हैं, यशोदा ठाकरे जी, हमें तो अच्छा लगता है कि हम उनके परिवार हों, हमारे शिष्य परिवार हैं. तो मुझे अच्छा है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगी, और हम ये चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं. और मुक्ति फाउंडेशन का मतलब होता है सबको आनंद देना, मुक्त करना, फ्रीडम देना. तो ये वही स्थान है जहाँ पे सबको फ्रीडम है, लेकिन सनातन के विरुद्ध किसी को कोई फ्रीडम नहीं है. सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा. तो बस इतना ही मेरा कहना है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, और यही हम करने आए हैं. जय श्री राम. जय श्री राम. सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहेब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है, और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये काबिल तारीफ दो वजह से है.
इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। सो आई वेरी स्ट्रांगली फील द इनिशिएटिव टेकन बाय स्मिता जी इज़ प्रेज़वर्दी एंड इन ट्रू सेंस हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई एम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार, तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया। जब भी मैंने उनसे कहा मेरा एक अच्छा कार्य है, एक अच्छा काम है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं, तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। तो मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। इट इज ही वॉज एनिग्मा, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक जो इंसान कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो लोगों के मतलब प्रति जो उनकी सेवा का भावना था और जो लोगों का भावना की भावना उनके प्रति थी, इस तरह से वो उनको एडमायर करते थे। एंड हम लोग हमेशा जब मुंबई आए थे तो हमारे लिए मुंबई के राजा जो थे वो बाला साहब थे। सो वी ऑल रिमेंबर हिम लाइक दैट। एंड ही वॉज नेवर, कभी भी उनको डर नहीं था कि उनको जो सच्चाई है उनको उस पर बोलना, चाहे कोई भी सेंटर में पावर हो, ही वुड स्पीक अप टू पावर एंड दैट वॉज द ग्रेट थिंग। एंड ऑलवेज स्पीक फॉर द डाउन ट्रॉडन, मतलब जो लोग जिनको जो कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करते, विच वॉज वेरी नाइस। एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो से दैट आई मीन इट वॉज वेरी सैड द डे ही डाइड। आई नो इट्स हिज बर्थडे, इनका जन्मदिन है और हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वॉज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में, जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे, उसकी वजह से था। अयान बेटा है, अयान ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे, गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज होने वाला है 10th of February, ही इज रिलीजिंग हिज फर्स्ट सो, इट्स कॉल्ड गुमशुदा एंड इट विल बी आउट ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, विंक, व्हेरेवर, यूट्यूब, ऑल ओवर। इट्स रिटन बाय ऐश्वर्या एंड मी एंड वी कंपोज्ड इट टुगेदर, वी आर वन टीम एंड या एंड sung by him, sung by Yes. Yes. Would you have any memories of her, say? You know, I have never seen sir, I've never met sir, but Aishwarya always tells me that Shivaji Park mein jab sir jaate the to talk to people, koi nahi khada rehta tha first few months, mahino tak koi aaya nahi. To hum log jab bhi apna music banate hain to he tells me ki saab ka socho, he had nobody standing in front of him. तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे। Yes, he was an inspiration. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना social work सबसे पहले AIDS awareness से शुरू किया था और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी जो आगे आकर AIDS के बच्चों के, मतलब AIDS से पीड़ित बच्चों का या जो AIDS से पीड़ित जो लेडीज एंड मतलब औरतें और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान वाज सपोज टू डू दैट छैया छैया एक्ट। तो उस वक्त मैं डॉक्टर गिलारा, सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको। तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था, जो पैदा हुए तो वो भी एड्स के द्वारा। उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था, अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं एचआईवी के साथ।
तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी और वो इनका उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं, जिसके जो जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था. तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड हर्स उनका उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है. थैंक यू.